दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें पीएफ विड्रोवल ऑनलाइन क्लेम करते समय एक एरर आ रही है। जब वो अपना पीएफ विड्रोवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पर जाते हैं और क्लिक करते हैं क्लेम पर, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करते हैं, अपने क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद, एड्रेस फिलअप करने के बाद, कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करने के बाद, जैसे ही नीचे डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से उनको एक एरर आ रही है। Error invalid key info in digital signature. This means that certificate used for signing the OTP request is not valid. It is either expired or does not belong to the AUA or is not created by ACA. PF withdrawal claim online submit नहीं हो पा रहा है, तो उसका solution क्या है और ये error क्यों आ रहा है? अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe कीजिए और press कीजिए bell button को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ईपीएफ से जुड़ी ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, ये एरर 6 मई 2022 से आ रहा है। ईपीएफओ के मुताबिक ये एक वेबसाइट टेक्निकल एरर है जिस पर ईपीएफओ की टेक्निकल टीम वर्क कर रही है और इसे कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ दिनों के लिए आपको इंतजार करना ही होगा और पेशेंस रखना होगा, और ऐसी ईपीएफ से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।